हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। एक कविता सुने। कविता के नाम है हम सब सुमन एक उपवन के। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी नामक कवि ने यह सुंदर कविता लिखी है। मैं अंशा दसनी हूँ। मेरे साथ है मेरे दो दोस्त निदा और रिफाना। सुनिए। एक हमारी धरती सबकी, जिसकी मिट्टी से जन्मे हम, मिली न एक ही धूप हमें है, सींझे जाए एक जल से हम, पले हुए हैं झूल झूल कर पलनों में हम एक पवन के, हम सब सुमन एक उपवन के, हम सब सुमन एक उपवन के, रंग रंग के रूप हमारे अलग अलग है क्यारे क्यारे, लेकिन हम सब से मिलकर ही इस उपवन की शोभा सारी, एक हमारा माले हम सब रहते नीचे एक गगन, एक हमारा जिसकी किरणें उसकी खली खिलाती, एक हमारा चांद चांदनी जिसकी हम सबको नहलाती, मिले एक से स्वर हमको है भ्रमरों के मीठे गुंजन से, हम सब सुमन एक उपवन के, हम सब सुमन एक उपवन के। नमस्ते दोस्तों, आज मैं पेड़ के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। पेड़ प्रकृति की वरदान है। पेड़ से हमें फल फूल लकड़ी औषधियाँ और स्वच्छ वायु मिलते हैं। मेरे घर के पास कई पेड़ हैं। यह आम का पेड़ है, यह हमें आम देती है, इससे हमें छाया भी मिलते हैं। यह पपीता का पेड़ है, यह हमें मीठे पपीते देते हैं, कच्चा पपीते से सब्जी भी बनाता है। यह नारियल का पेड़ है, यह कल्पवृक्ष जानती है क्योंकि इसकी सब भाग हम उपयोग करते हैं। दोस्तों, पेड़ को एक ना एक गुण होता है। पेड़ ऑक्सीजन की भंडार है। बारिश के लिए पेड़ होना जरूरी है, इसीलिए पेड़ की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। धन्यवाद। नमस्ते बच्चों, तुम कैसे हो? ठीक है ना? अच्छा, सब घर में सुरक्षित है क्या? ठीक है, अलावर वीट सुरक्षित रहेगी। पिछले कक्षा में हम सीना की घर घर में कौन कौन है यह सब समझा। सीने वीटकार इवरे एल्लाम नाम परिचयपेट्टु। കൂടാതെ സീനയുടെ കൂട്ടുകാരി അനുവിനെയും നാം കണ്ടു. ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു പ്രൊഫൈൽ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്ന് നോക്കിയാലോ. പുസ്തക ലീജിയേ, പന്ന സംഖ്യ തേരഹ് ദേഗിയേ. പുസ്തകം എടുക്കൂ, പേജ് നമ്പർ 13 നോക്കൂ. ദേഖോ ബച്ചോ, യേ സീന കാ പ്രൊഫൈൽ. ഇത് സീനയുടെ പ്രൊഫൈലാണ്. ഹാം സീന കെ നാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേര്. കക്ഷ ക്ലാസ്. സീന എത്രാം ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത്? പാഞ്ച്. സീന പാഞ്ചവിയും കക്ഷാമയും പഠിത്തി ഹേ. അടുത്തത് നോക്കൂ, സ്കൂൾ. സീനയുടെ സ്കൂൾ ഏതാണ്? സീനയുടെ സ്കൂളിന്റെ പേരെന്താണ്? ജി യു പി സ്കൂൾ വടകര. ഇനി താഴെ നോക്കൂ, ആയു വയസ്സ്. സീനയുടെ വയസ്സ് എത്രയാണ്? നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈൽ എഴുതൂ. നാം കക്ഷ സ്കൂൾ ആയു. ഇവിടെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈലിന് ആവശ്യമായത് എഴുതുമല്ലോ. ധന്യവാദ്. दोस्तों, मैं एक
कितना प्यारा चेहरा कितना गोरा, कभी मेघ में तुम छुप जाते कभी कभी मुस्काते, कभी मेघ में तुम छुप जाते कभी कभी मुस्काते। चंदा मामा हे चंदा मामा, कभी न तुम छुप जाओ मामा मेरे आंगन न हो, कभी न तुम छुप जाओ मामा मेरे आंगन न हो, साथ मेरे तुम खेलो मामा मेरे दिल बहलाओ, साथ मेरे तुम खेलो मामा मेरे दिल बहलाओ। चंदा मामा हे चंदा मामा। थैंक यू। मैं हूँ जुनेदी है, यह मेरा भाई जासिम है। देखिए हमारे घर के पास एक छोटा आम का पेड़ है, हमें यह पेड़ बहुत पसंद है। 4 साल पहले हमारे पिताजी इसको लगाया है, हम इसको पानी दिया, इस पर अभी तक आम नहीं आया है क्योंकि अभी यह छोटा है। मुझे आम बहुत पसंद है। मुझे भी पसंद है। मैं प्रतीक्षा मैम हूँ। आम का पेड़ एक अच्छा पेड़ है, इस हमें मीठा फल मिलता है, इसके पत्ते सुंदर है, यह हमारी प्यारी पेड़ है। पेड़ों की रक्षा करना हमारे कर्तव्य है। मैं किसान को ये सभी लोगों के लिए गाय समर पर करता हूँ। जय जवान जय किसान, ये है हमारा नारा। क्या नाम है? सीना। और तुम? मैं अनु। कहाँ रहती हो? अस्पताल के पास। क्या तुम 5वीं कक्षा में हो? हाँ। घर में कौन कौन है? मेरा घर में मादा जी पिता जी और भाई है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अभिनान है। प्यारी प्यारी अम्मा मेरी मीठे मीठे गीत सुनाती, ताजा ताजा दूध पिलाती, दर दर का गाना देती, मेरी सारी बातें सुनती, अच्छी अच्छी सीखें देती, संग सुलाती सुबह जगाती, कितनी प्यारी अम्मा मेरी। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हिंदी दिवस पर कविता। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत के आशा है हिंदी, जश्न पूरा जे शो के ओटा जोटा, ओ मजबूत भाषा हो हिंदी, सरल से बुझया आपको कहा तो, जीवन की बड़ी भाषा हो हिंदी, भारत की हिंदी, हिंदुस्तान चम चम चमकी बिजली रानी, उड़ी गगन में खड़ा सुहानी, बादल धानी, खूब चमा चंबर सो पानी, प्यासी चिड़िया प्यासी गैया, गाली है सब ताल तलैया, सूखे घाट पड़ी है नैया, हुई मछलियों को हैरानी, बादल दानी, सागर से बर बर जलाते, गाव गाव में रस बरसाते, सब जीवों की प्यास बुझाते,
धरती हो जाती है दानी, बादल दानी बादल दानी, फसल दान की खेतों महके, राह घाट हरियाली लहके, मन किसान का खाई चहके, देख देख मेटों तक पानी, बादल दानी बादल दानी, गूप चमा चंदर सो पानी। नन्नी, क्या नाम है? सीना। और तुम? मैम अनु, कहाँ रहती हो? अस्पताल के पास। क्या तुम पांचवीं कक्षा में हो? हाँ। अच्छा, एक ही कक्षा में है ना? नमस्ते दोस्तों, आज मैं यहाँ एक स्वादिष्ट और सेहतमंद सलाद बनाने जा रहा हूँ। आवश्य जी से देखो। पत गोभी, गाजर, खीरा, प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, धनिया, काली मिर्च धूल, नमक, सिरका, बोले और उसमें सारी सब्जियां ऐसे काट कर डालें। पत गोभी, गाजर, खीरा, प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, धनिया, अवश्य नमक, काली मिर्च धूल, और सिरका मिलाएं। स्वादिष्ट सलाद तैयार। तरीके बारे में एक गीत सुने। रंग बिरंगे तितली अपना नदी खुश करने से कहां से आई हो, रंग बिरंगी प्यारी तितली कहो कहां से आई हो, अपना नदी खुश करने से कहां से आई हो, रंग बिरंगी प्यारी तितली कहो कहां से आई हो, नीले पीले लाल सुनहरे रंग कहां से आई हो, नीले पीले लाल सुनहरे की सारी खुशबू तुम बंगों में बगलाई हो, फूलों की सारी खुशबू तुम बंगों में बगलाई हो, रंग बिरंगी प्यारी तितली कहो कहां से आई हो, रंग बिरंगी प्यारी तितली कहो कहां से आई हो, मुझे बताता जब तुम अपने क्या क्या गाने लाई हो, मुझे बताता जब तुम अपने क्या क्या गाने दोस्तों, यह मेरा पतंग है, यह कागज से बनाया है। यह मेरा पतंग है, सुंदर सुंदर पतंग है, प्यारी प्यारी पतंग है, मिन्नू इसका नाम है, मिन्नू इसका नाम है। नमस्ते दोस्तों, आज मैं कुछ रंगों को परिचय करना चाहती हूँ। देखो ये केला है, इसका रंग पीला है, पीला पीला केला, मीठे मीठे केला, गावो गावो केला, पीला मीठा केला, इसे मैं पीला रंग के कई बोल है, ये सब पत्ते हरा रंग की है,
देखो ये टमाटर लाल रंग की है। अंगूर ये छतरी है, इसका रंग काला है। देखो